आम आदमी के कलबुर्गी नॉर्थ का टिकट 2 करोड़ रुपए में बिक गया है। हाँ, ये सोर्सेस के हिसाब से मेरे को न्यूज़ आया है, कलबुर्गी का आम आदमी पार्टी का नॉर्थ टिकट एक माइनॉरिटी लीडर को देने के लिए बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपए में खरीदे सो है। कौन? बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी का नॉर्थ टिकट खरीदे हैं। 2 करोड़ क्या, 200 करोड़ रुपए दिए तो भी हमारी पार्टी किसी को टिकट बेचने वाली नहीं। जैसे कि आप बहुत सारे हैं टिकट खरीदने वाले हमारे पास, मल्ल्या जैसे, मोदी, अडानी, अंबानी के जैसे एजेंट लोग हैं, करोड़ों रुपए दे सकते हैं। करोड़ों रुपए नहीं चाहिए हमको, क्राइटेरिया ईमानदार पार्टी ईमानदार कैंडिडेट को ढूंढती है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। सभी पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी इंक्लूडिंग, सब में करप्शन का हाल चल रहा है। मैं ताज़ा ये बताना चाह रहा हूँ, आज मैं आम आदमी पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप को रिजाइन किया हूँ। मैं शरण आईटी आज आम आदमी पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप रिजाइन किया हूँ। कौन सी भी पार्टी नहीं, अगर कोई पार्टी भी देती है तो पहले नोटिस देती है, उसको पार्टी से निकालती है, डिसिप्लिनरी का मौका देती है, उसकी जो फरियाद सुनने का मौका देती, उसमें भी इसको निकाला गया। इसके बाद अगर कुछ किया तो आगे अब इसके बाद और कम वो रिजिग्नेशन, क्या जरूरत थी तेरे को पार्टी से निकाले, इतने लेटर हैं सारे शहर को मालूम है। एक माइनॉरिटी लीडर उधर ठहरा करना, आम आदमी का नॉर्थ में ठहरा करके वोट स्प्लिट करना, उन्होंने 8-10 हज़ार वोट लेना बोल के ये भी टारगेट दिए गए सो है। 2 दिन पहले रात में 12:30 बजे मीटिंग हुआ है एक कलबुर्गी में, बीजेपी लीडर एक कलबुर्गी का, ये लोग का साजिश है। क्यों आप इतना जानिए नॉर्थ के सभी वोटर्स, ये क्यों किस लिए हो रहा बोल के, क्यों बोले तो नॉर्थ में कितना पार्टीज है, हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, एसडीपीआई, आम आदमी, ये 6 मेन पार्टी में 5 जने का कैंडिडेट माइनॉरिटी का है। इतना दिन 4 जने का था, कांग्रेस का माइनॉरिटी, जेडीएस का माइनॉरिटी, एसडीपीआई का ऑलरेडी फाइनल हुआ माइनॉरिटी और एमआईएम का, ये छोड़ के भी 5वां कैंडिडेट बीजेपी वाले ग्राउंड पे उतारते माइनॉरिटी बोले तो, ये उनका स्ट्रैटर्जी है बीजेपी वाले का, क्या बोले तो 5 जने को माइनॉरिटी लड़ाना, पूरा माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होना, डिवाइड होना, बीजेपी जीत के वन साइड आना बोल के ये पूरा साजिश है। 23 सितंबर 2021 को जब पृथ्वी रेड्डी प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कर्नाटका और रोमी भाटी जी हमारे कर्नाटका के इंचार्ज थे, उन्होंने 23 सितंबर 2021 को मुझको सदर बनाया गुलबर्गा सिटी का, और साथ साथ जब ही कहा सज्जाद साहब आपको गुलबर्गा नॉर्थ से लड़ना है, आप बहुत पॉपुलर हैं, हम सुने हैं कॉरपोरेशन इलेक्शन में, आपको आज टिकट फाइनल नॉर्थ की। मेरी टिकट आज फाइनल नहीं हुई, 1.5 साल हुआ मेरी टिकट फाइनल हो गया। हमारे पास 200 करोड़ दिए थे, बीजेपी के कौन है यहाँ के कैंडिडेट, अगर 200 करोड़ देते दूसरे किसी एक मेरे सपोर्टर को टिकट दे बोलते, हम नहीं देते। आज बीजेपी भी यहाँ पर बौखला गई है, बीजेपी भी, क्योंकि शाह बाजार में सारे हिंदू एरिया में आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, सज्जाद अली बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर।